दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ पहले एक बार चेहरा दिखाओ। कटेगा तो नहीं है? अच्छे से दिखाओ, इधर ये जलेगा ये। पापा को जल्दी या कुछ नहीं है, हो सकता है कोई चीज की खरोच भी हो चेहरे पे। नया बबल दिलाएंगे और आपको लगवाओ मायशा, पिट्टी मारेंगे उसकी, देखो ठीक हो जाएगा चेहरे पे जो भी लगा है। इससे मिर्ची नहीं लगती, इससे मिर्ची नहीं लगती मायशा। अच्छा मेकअप है मायशु? पापा को बताओ कि ये चोट कैसे लगी। हाँ जल्दी बताओ। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नाम नहीं लेता किसी का भी। जल्दी बताओ, सच्ची बताओ। जी को कहाँ मार सकता है आपको, आप स्ट्रॉन्ग हो ना। आपने बोला कैस्पर ने मारा, फिर आपने बोला दादी ने मारा, फिर आपने बोला ताई ने मारा। ये देखो किस टाइम खींचा था इसका फोटो, जरा दिखा। कल शाम का है? सुबह नहीं था, कल शाम सुबह नहीं था, सुबह नहीं सुबह का मुझे नहीं पता। मैं उठाओ तो मैंने इसके चेहरे पर निशान नहीं था। सुबह जब आप लेके गए थे ना, दूध पिलाया था। मैंने बोला भाई कैसे चल गई, तो पहले मुझे लगा शायद लिपस्टिक लंबी लंबी लगा लेते। लिपस्टिक हमें, लिपस्टिक मैं भी सोच रही थी मायशा को। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चोट देखी है, टच भी नहीं करने दे रही अभी लड़की। दिखाओ सही, एक मिनट मैं देखना चाहती हूँ। कौन सा बलून शायद देखना चाहती, किससे? इसको बीच में से दो क्रैक हो गए तो इसके खरोचे निकले हुए थे, फिर मैंने इसको बहुत पहना दो, तो फिर मैंने इसको कहा ला मैं जोड़, लेकिन जब इसने तोड़ा मैंने उसी टाइम जोड़ दिया था, तो कहीं और से दिन लगा ये। सेकंड्स में जोड़ दिया था मैंने, उतनी देर में तो नहीं। हाँ इसको तो ये खोल रही थी, वो निकाल रही थी भाई। देखना कुछ पैरा तो नहीं है? नहीं यार, कहीं लेके आई थी, नीचे अकेले गई थी, सेल वेल लगा रही थी। अरे कहीं से भी पैरा नहीं है, नहीं लग सकता भाई। अगर जलेगा बच्चे को एक घंटे दो घंटे तक इतनी दर्द होगा, वो रोएगी। मम्मी ये 10 मिनट दो दो मिनट बच्चे को आती है, पर इसके रोने की आवाज तो 1 सेकंड नहीं आई। सामान फेंक देती जो गर्म, इसने जो भी इसने गर्म टच किया सामान फेंक देती। मशहूर ऐसा घर में कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जलने की, अगर जलती भी लड़की तो बहुत तेज। भाभी अभी देखो क्या बोल रही है, इसलिए हम इसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करते। तूने कब देखा, तूने कब देखा, तुमने पहले देखा या नहीं? ये जले जैसा है ना कुछ ऐसा। सुन क्या कह रहे हैं, किसने मारा ये तो मुझे गिर गया। सुनो किसने मारा? अभी थोड़ी देर पहले दादा के सामने गए, दादी ने मारा। आजा मेरे बच्चे मेरे पास आ। प्यार करने आ रहा हूं भाई, प्यार करूंगा किसी का। ऊपर से किसी चीज से लगाया। ओह वाह, चाची वाला कच्चा, चाची वाला कच्चा, चाची ने पुच्छ करी है बेटा, पुच्छ की है अभी तो। तू बड़ा चौक, मैंने बोला ऐसी डरावे के लगी, मैं कह रहा तब से कह रहा मैं पापा का क्या है। पहली बार है जो मैं शुरू, कॉपरेट प्लीज कॉपरेट। जो काम माँ बीवी नहीं सिखा सकती वो बेटी सिखा सकती है, लाइफ में हर एक चीज सिखा सकती है बेटी। पहली बार मेरी तो कभी नहीं बाल बनाए, जरूरत नहीं लगी ना कभी। क्यों तुम खुद कर लेती हो? मेरे को लगा बोलोगे सर पे बाल ही नहीं है। हाँ हाँ बेटा बन गया। आशुन तो हमें नहीं बताया चोट कहाँ से लगी। एक्चुअली घर के साइड में ना खाना है, किसी रिश्ते में रिश्तेदारी में जाना है खाने के लिए, एक नॉर्मली भंडारी की उसका रहा है। तो कैजुअल रेडी, मैं आयुष मम्मी जा रहे हैं। रुको आपकी क्लिप्स इसमें रखी है। विच वन दिस वन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर खाने जा रहे हो, ये देखो सब्जी। वाओ माय विद रायता। A few hours later. मैं कैसे लग रही हूँ पहले आप मुझे ये बताना। मैंने अपनी बहुत ही फेवरेट ज़ारा की शर्ट पहनी है। एक्चुअली एक बार मैंने एड पे ये शर्ट पहनी थी, तो ब्रांड की तरफ से मुझे मिली थी, हाँ 2 साल पहले। तो ये शर्ट तब मैंने उसके बाद से खरीदी थी और आज मैं इसे फाइनली कहीं बाहर पहनी। अच्छा वो तो ब्रांड की तरफ से मिली थी, आपने सेम ऑर्डर की थी? सेम ऑर्डर करी थी, क्योंकि मेरे को जब मैंने वो पर्पल का शूट किया था मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो आज हम लोग डिनर पे जा रहे हैं और एक छोटू सा इवेंट भी है, तो उधर ही जा रही हूँ मैं, संजोक्ता फिजा एंड बाकी लोग भी आएंगे। तो मैंने ये शर्ट पहनी है एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रीमियम पेंस। ओह माय गॉड बहुत प्यारी पेंस है, ठीक है। मैं अपने बेस्ट लुक को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। दीज हुप्स आर फ्रॉम शाइसेस, लेट्स लुक एट देम, दे आर सो ब्यूटीफुल। इस लुक के साथ कितने प्यारे जा रहे हैं। तो कल जाएंगे हम देवरानी से मिलने, याद आया देवरानी से मिलने से अच्छा पहले मैं उसको अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइज, रात में थोड़ा लेट आई थी मैं। गेट रेडी विद मी मैं कर रही हूँ, एक क्विक से गेट रेडी विद मी है और मैं जा रही हूँ मेरे बुआ के घर और मैं अपनी देवरानी से मिलने जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग वैसे भी मेरे व्लॉग में बहुत कमी मिले हो पूजा से, सो आज हम लंच पे जा रहे हैं बस ऐसे नॉर्मली थोड़ी देर के लिए। तो मैं मिलवाऊंगी आपको, चले गेट रेडी।
ready and just look at my lip color, guys. And you know what? I bet you, you have never seen anything like this before. Because मैंने ऐसी lipstick इतनी thoughtful, इतनी innovative अभी तक बिल्कुल नहीं देखी है. This is Taze 929 Love Triangle 3-in-1 lipstick, guys. This is a bullet lipstick. And the unique thing about this lipstick is कि ये एक 3-in-1 lipstick है. एक lipstick में आपको 3 different shades मिल रहे हैं. Just look at this packaging. एक side different shade है, दूसरे side different shade है. आप जब इन दोनों shades को mix करोगे तो you will get a third different shade. I love the packaging. चाहे वो outer packaging की बात हो, चाहे वो inner packaging. This lipstick comes in 5 variants, which means you will get 15 different shades. ये लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में आती है, लाइक न्यूड्स, पिंक्स, वाइन्स, रेड, रोजी कलर्स. जो भी हमारे इंडियन स्किन टोन को सूट करते हैं वो सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे. द शेड दे हैव इज 01 ब्रिक पिंक, 02 स्कारलेट विस्पर, 03 कैमल रोज, 04 न्यूड ऑर्किड एंड 05 ट्रफल ब्लश. दीज आर बुलेट लिपस्टिक बट द फॉर्मुला इज सो हाइड्रेटिंग. बहुत ईजिली मक्खन की तरह लिप्स पे अप्लाई होती है एंड द कलर पे ऑफ, लाइक एक एप्लीकेशन में आपको फुल कलर मिलने वाला है. यूजुअली क्रीम लिपस्टिक्स जो होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, बट दीज लिपस्टिक्स आर 100% ट्रांसफर प्रूफ. इन लिपस्टिक्स को आपको 90 सेकेंड ड्राई होने देना है एंड देन सी द मैजिक. मेरे को लगाए हुए करीबन 2 मिनट हो चुके हैं. सी, इट्स अ क्रिस्प प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, लाइक पता भी नहीं चलता. एंड ये लिप्स पे बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड लाइट वेट फील करती है. दीज आर 12 आर लॉन्ग लास्टिंग. ऑल द शेड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट मेरे जो 3 फेवरेट शेड्स हैं वो है 02, 03 एंड 05, बिकॉज इसके अंदर रेड, न्यूड्स, कोरल एंड पिंक शेड्स बहुत प्यारे हैं. बाय द वे, आई रियली लाइक दिस शेड 03 कैरमल रोज फॉर इट, सच अ ब्यूटीफुल कलर स्पेशली फॉर समर्स. एंड यस, यू कैन यूज माय कोड चाय 2024 टू गेट एडिशनल 20% का ऑफ ऑन द वेबसाइट. दीज आर इजिली अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, सो आई विल लीव अ लिंक फॉर यू गाइज. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स एंड यूज माई कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाय 2024 एंड आई एम रेडी. हाँ, मेरे को ताई कहती बेटा थोड़ा इसे गलूरे को कम कर लो, को क्या पता कि मोर एंड हैवी ब्लश आर इन ट्रेंड्स. खैर कोई बात नहीं, ये थोड़ा सेटल हो जाता है इसलिए मैं करती हूँ. और वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पिंच कर दूँ या रेड कर दूँ तो मेरे चिक्स हो जाते हैं रेड. बाय द वे, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा लेट कर रही हूँ मैं. ये मेरी फेवरेट शेजवान चटनी है, लाइक टन्स ऑफ टाइम्स मैंने बताया हुआ है. ये है विंग्स ग्रीन की शेजवान चटनी. तो मेरी चाय थोड़ा लेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को रेडी होना था. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी पहले हो जाऊँ, उसके बाद मैं बाकी सारे काम करूँ. अदरवाइज मैं जो लेट होती हूँ ना भाई, फिर मेरे को सुनना ही पड़ता है एंड आई डोंट वॉन्ट. ओके, सो हम जस्ट निकल ही रहे थे कि खुशबू दीदी आ गई हैं सरप्राइज देने के लिए मम्मी पापा को. माशी, चलो आओ चले चाची के घर. ऑलराइट, ये हमारा घर बन रहा है और ये हमारी पारी हो रही है. वहाँ कह रही मुझे नहीं जाना और यहाँ के कहते मुझे जाना है. जी को जब चाचू बुला रहे तो जा क्यों नहीं रहा. अरे मैम बस करो उस बेचारे चुन्ना करो, मेरा चुन्ना, मेरा चुन्ना दिखा, मेरा मायशू का बैग रुको. ये आपका बैग थोड़ी है, मायशू के पास बैग है. ये किसका बैग है दिखा दो, बड़ी मामा को भी दिखाओ. दिखा दो, खोल के भी दिखा दो ना, लिपित कैसी लिपित है देखो, खोलना जानती है. गली ऐसे याद रखी है. मायशा ने अपना छोटा, मायशा आपका छोटे बैग का छोटा बैग खुला हुआ है. मायशा आपके छोटे बैग का छोटा बैग खुला हुआ है. सोनू बहुत हंसते हैं. I'm great. आधा घंटा बहुत ट्रैफिक है गली में, बहुत ज्यादा जाम था. हाय पल्लू, उसकी तो पल्लू है, इसकी तो पल्लू है. देखिए कैसे मजे में आ रहा है, नींद में जोर से उठा के लाया. जीगू आप भी पॉपकॉर्न ले लो. जीगू कुछ नहीं मिल रहा बेचारे को. जीगू आप भी पॉपकॉर्न ले लो. ये देखो बुआ, जूम जूम जूम, वो देखो सामने रेड साड़ी. प्रियांशु की प्री वेडिंग की फोटो शूट, ये फोटोज है. थैंक यू. बस बोल दो मम्मा कोल्डिंग गंदी बात है ना, नहीं पीना. नहीं उसमें उसमें कड़वी दवाई है, उसमें कड़वी दवाई है. थैंक्स, यही मुझे चाहिए था. हमें तो बोला गया था कि आप हमारे लिए छोले भटूरे बन रहे हैं, छोले चावल बन रहे हैं. यहाँ पे तो आप कुछ और ही बना रही हैं.
ड्रॉप करो हमारे लिए प्लान, ये तुमने प्लान ड्रॉप किया होगा, हाँ तुमने क्या होगा कि रहने दो छोले इज अ वेरी बेसिक और प्लीज कुछ अच्छा ना, मुझे पता था पर मैंने तुमसे कुछ बोला था कुछ खाने के लिए, वो तो आएंगे ना फिर पक्का बिल्कुल, वाओ नाइस, ये तुमने बनाया पहली बार, आज मैं जज करूंगी, आज मैं जज आज मैं जिठानी बनूंगी तुम्हारी, आज नहीं अब जिठानी के सामने मैं शायद तुम्हारी पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना, हां एग्जैक्टली तुम्हारे हाथ का खाना, मम्मी ये जो क्या तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए पद्दू, पलकू कुछ चाहिए इसको, क्या चाहिए जीकू पलकू न्यूट्रल लाइट में सेक दिए क्या, न्यूट्रल ले आओ ले आओ आ जाओ खाते चल जाओ काम वाम करा दो जाओ भाभी, हटो चलो हटो तो जगा दो तुम, ओह माय गॉड बॉडी नो वेट्स क्या खाली लग रही है जी, ये तुम तो मतलब तो बात नहीं है, इसे क्या चाहिए क्या कोल्ड ड्रिंक भर के पी रही है, मांगी होगी इसने कुछ, देख इसको देख कैसे मिक्स कर रही है बटर, बस 5 मिनट खा लो फिर तो तुम्हें इडली सांभर डोसा आयो आयो खाने को मिलने वाला, 5 मिनट कोई बात नहीं मुझे तो पसंद है, कोकोनट ऑयल में सब कोकोनट ऑयल में होंगे, ये डरता नहीं देखे जरा इसकी शक्ल बेचारे की, डरता नहीं है वो, खाने में सारी खा, मैं कितना मटर वाला का गलत था, मैं डराता इसमें इसमें कोई डिफेक्ट है, बड़ी हंसी आ रही है, खाने के बाद यहाँ पे मैंने गोलगप्पे के लिए कल डिमांड की थी, 2 गोलगप्पे आए हैं, मुझे आटे वाले पसंद है बाकी सब सूजी, हाँ प्रियांशु तो लेके आया है अभी आपको, आप सो रहे थे, प्रियांशु डोंट टच, ये देखो आपका पानी में बर्फ है जल्दी जल्दी खा लो, ओह शिट, अच्छा मैं दे रही हूँ, मैं ये तो निंजा टेक्निक ये भी डालो पापा, डाल रहे डाल रहे, पापा डालेंगे, पापा से बोलो दे दो, माय शुक्र क्या चाहिए आपको, क्या तो मांग लो देने, क्या क्या मांग रहे, अरे चाची के पास है, उसे कैमरा भी पकड़ा दिया उसे ये सब A few hours later. Okay. All right, so हम घर से वापस आ गए बुआ जी के, एक्चुअली पूजा को ना एक डिनर पे जाना था अपनी माइके के साइड, उसकी शादी के डिनर्स और लंच फिनिश ही नहीं हुए हैं हमारे यहाँ का, तो हो गया था हमने ब्लॉग भी देखा होगा, और थोड़ी सी घर की सफाई कर रही थी कमरे की, तो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू लेट मी नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, लव यू बाय।